कैजुअल लेबर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ नाजीन, आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें कैजुअल लेबर्स के लिए एक खुशखबरी है और ये बताया गया है कि जो भी कैजुअल लेबर्स जिनको 7 साल हो गए हैं या 7 साल से ज्यादा सर्विस में हो गए हैं उनको अब परमानेंट होने के चांसेस है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी उनके लिए है। आपको बता दें कि कैजुअल लेबर्स को लेकर यहाँ पर काफी सारे प्रोटेस्टर्स हो गए। लोग जो कैजुअल लेबर्स थे जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे लेकिन कैजुअली वो काम करते थे, वो डिमांड कर रहे थे कि हमें इतना टाइम हो गया है सर्विस में, किसी को 10 साल हो गए थे, किसी को 20 साल हो गए थे सर्विस में, लेकिन अब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी जो है स्टेप नहीं लिया जा रहा था उनको परमानेंट करने का। तो सब में आज हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस भी मुलाजमीन को 7 साल हुए होंगे या 7 साल से ज्यादा सर्विस में हुए होंगे तो उनके लिए अब चांसेस है कि वो अब परमानेंट हो सकते हैं। आपको बता दें कि अगर हम April 1, 2005 की बात करें तो उस टाइम पे एक कैजुअल लेबर ने दरख्वास्त दी थी कोर्ट को जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिक्योरिटी गार्ड वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में काम करते थे। उसके बाद उन्होंने कोर्ट की तरफ रुजू किया था और ये कहा था कि उनको इतना टाइम हो गया है मुलाजमत में, अब उनको परमानेंट कर देना चाहिए। तो इस हिसाब में आपको बता दें कि ये केस जो SRO 64 के तहत उनको फिर रेगुलराइज किया गया था और इस हिसाब में आज हाई कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला जो है ये सामने आया है और ये भी कहा गया है कि परमानेंट होना कैजुअल लेबर्स की जो है वो उनका राइट है और हम उसकी तरफ जो है खास तवज्जो दे रहे हैं। एक बार जो नाजीन अब हमारा लाइव ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, जितने भी डेली वेजर्स वगैरह जो है उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर किसी भी मुलाजमीन को 7 साल हो गए हैं या 7 साल से ज्यादा सर्विस में हो गए हैं तो उनको अब परमानेंट होने के चांसेस है, यानी ये उनका हक है कि वो परमानेंट हो जाए और जल्द ही कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे उनको परमानेंट होने का। तो वही हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो मुख्तलिफ कैजुअल लेबर्स जो है हमने देखा कि काफी सारे प्रोटेस्टर्स किए, उन्होंने उनकी डिमांड थी कि उनको काफी टाइम किसी डिपार्टमेंट में हो गया है, वो काफी अरसे से एम्प्लॉय है लेकिन अभी भी उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें कैजुअल लेबर्स में नाराजगी भी तब देखने को मिली लेकिन अब ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये राहत की खबर उनके लिए है कि अब अगर उनको 7 साल हो गए या 7 साल से ज्यादा हो गए तो अब उनको परमानेंट किया जाएगा। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तामिल इरशाद के लिए कैमरा पर्सन हारिक मुगल के साथ महबाबे।